Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ वीनू और आप देख रहे हैं वीनूज वे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. एंड आज का वीडियो जो होने वाला है वो स्पेशली होने वाला है न्यू मॉम्स एंड डैड्स के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो न्यू मॉम्स एंड डैड्स को बहुत ही ज़्यादा देर तक परेशान करता है. और वो इसलिए ये टॉपिक मैंने चुना है बिकॉज मैं भी बहुत सफ़र कर चुकी थी इस चीज़ को लेके, तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. बट बिफोर स्टार्टिंग please consider subscribing to the channel. It will be very helpful and motivate me to make more such videos. So let's just start. So आप किसी भी mom dad को जो नए नए parents बने हैं उनको पूछेंगे कि कैसे हैं आप, तो सब ही बताएंगे कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, बच्चा सोने नहीं देता है, बहुत tired है, normal lifestyle में नहीं जा पा रहे हैं. ये बहुत ही एक common चीज़ है जो कि न्यू पेरेंट्स जो है फेस करते हैं. मैंने भी किया था, हम दोनों ने किया था. तो पर मेरी अप्रोच इसके लिए थोड़ी सी अलग थी. जो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे कज़न वगैरह पूछते हैं कि कैसे आपने अपने बेबी को शुरू से अपने से अलग कॉट में सुलाया, तो बस यही इस वीडियो में होने वाला है. तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या को स्लीपिंग, मतलब बच्चे को अपने साथ बेड पे सुलाना अच्छा है, या फिर उसको अपनी कॉट में या फिर अपने क्रिब में सुलाना ज़्यादा बेटर है. तो फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या बेटर है. और मैंने अगर इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को अपने साथ ही सुलाते हैं काफ़ी बड़ी एज होने तक. मे बी कई लोग तो टीन एजर तक होने तक बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया. बहुत ही कॉमनली ये चीज़ देखी गई है. बट अगर आप बाहर की बात करें, बाहर की कंट्रीज़ में बच्चे जो पैदा होते हैं तो पहले से ही, आई डोंट नो उनका ये सिस्टम है या जो भी है, उनको क्रिब में ही सुलाया जाता है या फिर उनके अपने बेड में या कॉट में जो भी है वो सुलाया जाता है. तो मैंने बट किसी से इन्फ्लुएंस होकर या बाहर वालों को देखकर नहीं ये डिसीजन लिया था. जब मेरा बेबी का बर्थ हुआ था, विच वॉज 2 ईयर्स बैक, तो वो प्री मैच्योर था. ही वॉज बॉर्न इन 35 वीक्स. So he was premature and he just weighed 2.1 kgs. So I was really scared कि मैं उसको बेड में हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में सुलाऊंगी, तो यू नो मेरे को बहुत डर था कि कहीं वो नीचे ना आ जाए या उसका कहीं चोट ना लग जाए. तो इसीलिए बस मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उसको शुरू से ही जो है अपनी उसके बेड में, अपने क्रिब में, अपने कॉट में जो भी है वो सुलाऊंगी. तो लकीली क्या था कि इवान के नानू और नानी ने उसको एक झूला गिफ्ट किया था जब वो बॉर्न हुआ था. तो फर्स्ट डे से ही मैंने उसको उस झूले में, मैं उसकी पिक्चर यहाँ डाल दूँगी, सुलाया. ठीक है, तो मैंने काफ़ी पढ़ा था. इनफैक्ट मैं जब इवान बॉर्न हुआ था, मेरी कज़न है उसका भी बेबी बॉर्न हुआ था, तो उसने भी मुझे काफ़ी टिप्स दिए कि क्यों सुलाना चाहिए बेबी को अपने खुद के बेड में या कैसे सुलाना चाहिए. वो सब उसने भी मुझे बहुत टिप्स दिए थे. तो आई वॉज़ लाइक कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, तो मैं उसको उसके ही खुद के बेड में सुलाती हूँ. तो आई स्टार्टेड मेकिंग हिम स्लीप इन हिज ओन बेड. तो सबसे पहला रीज़न जो है, मैंने इसीलिए उसको उसके बेड में सुलाया बिकॉज आई वॉज़ वेरी कंसर्न कि उसको लग ना जाए या फिर हम दोनों के बीच में किसी के नीचे वो ना आ जाए. यू नो ही वॉज़ रियली रियली स्मॉल, सो आई डिडंट वांटेड टू हर्ट हिम. तो इसीलिए आई मेड श्योर कि वो अपने स्पेस में रहे और जैसे भी है वो हम अपने स्पेस में और वो अपने स्पेस में रहे. तो और भी रीजंस हैं जो मैंने पढ़े थे कि को स्लीपिंग में, मतलब बच्चे के साथ सुलाने के बजाय अगर आप उसको अपने बेड में सुलाते हैं तो क्या क्या कॉन्स हैं और प्रोज हैं. और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी अपने फ्रेंड्स जिनके उस टाइम पे बेबी हुए थे या फिर मैंने पढ़ा भी था, वो ये था कि जो लोग अपने बच्चों को अपने साथ सुला रहे थे या सुलाते हैं वो
खुद की स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है, यू नो, क्योंकि नए नए पेरेंट्स बनते हैं, नए नए मम्मी जो होती हैं उनको वो ज़्यादा विजिलेंट होती हैं, उनको अच्छे से तो एकदम गहरी नींद आती नहीं है क्योंकि 24 घंटे हर टाइम उनको बच्चे की फिक्र लगी रहती है। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ था, मुझे तो अच्छे से नींद नहीं आती थी, ज़रा सी आवाज़ होती थी तो मैं उठ जाती थी, तो वही है। तो वो उनकी खुद की स्लीप जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और उससे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है। बिकॉज अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और यू नो कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। और मुझे कई हद तक ऐसा लगता है कि इसीलिए इस टायर्डनेस और लैक ऑफ स्लीप की वजह से काफ़ी जो मॉम्स हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं या पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जा सकती हैं। दिस इज़ माई ओन थिंकिंग। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्लीप इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव डन अ सच अ बिग जॉब। एक माँ ने जो है अभी अभी डिलीवरी किया है, उसके चाहे वो सी सेक हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, शरीर की आपकी ताकत तो जाती है, वो ब्लड लॉस से हो या फिर यू नो लेबर की वजह से हो, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको अच्छी स्लीप की बहुत ज़रूरत होती है, विच यू कैनॉट हैव अगर आपके बिल्कुल साइड में बेबी सो रहा है और आप दो दो मिनट में उसको चेक कर रहे हैं, उसकी ज़रा सी आवाज़ से आप उठ जा रहे हैं, तो आप यू नो अच्छी स्लीप नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि सिर्फ पेरेंट्स की ही स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती है, जो बेबी है उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। यू नो अगर आप स्नोर कर रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा करवट लेने की आदत है, तो उससे भी जो है आपकी बेबी की स्लीप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है अगर वो एक बैड स्लीपर है, अगर आसानी से उनको नींद नहीं आती है या जल्दी से उनकी नींद खुल जाती है, तो उस वजह से भी उनकी नींद जो है डिस्टर्ब होगी। अगर उनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, तो इट्स लाइक अ साइकिल, यू नो। अगर जो पेरेंट्स हैं वो बेबी को शुरू से अपने साथ सुलाते हैं, यू नो अगर बच्चे को आदत है माँ बाप है तभी मैं सोऊंगा टाइप से, उनके साथ ही सोऊंगा, तो ये एक उसके लिए क्या बोलूँ मैं, डिसेबिलिटी क्रच बन जाता है कि यू नो मुझे ऐसे ही सोना है, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा आगे चल के कि वो किसी के पास रुकेगा नहीं, किसी बेबी सिटर या आपके किसी फैमिली मेम्बर अगर आपको कोई काम है तो वो रुकेगा नहीं, बिकॉज उसको नींद ही नहीं आएगी क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि बिना मम्मी पापा के कैसे सोते हैं, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एक बेबी के लिए भी प्लस आपके लिए भी, क्योंकि आपका बेबी कंफर्टेबल नहीं होगा कहीं और पे, तो वो भी एक चीज़ है। तो ही शुड हैव एन आइडिया कि अकेले कैसे सोते हैं, तो वो आपको शुरू से आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े टाइम बाद वो आदत नहीं डाल सकते हैं, बट देन फिर वो हैबिट ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके मुकाबले कि अगर आप उसको शुरू से ही अपनी जगह स्पेस में रखेंगे, उसको मालूम है कि मुझे यहाँ सोना है इस टाइम पर सोना है, तो वो आराम से आसानी से सो सकता है। और एक रीज़न जो था कि मैं नहीं चाहती थी इवान हम दोनों के बीच में सोए, वो ये था कि आपकी पर्सनल स्पेस, हस्बैंड वाइफ की पर्सनल स्पेस, टाइम जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाता है अगर बेबी आपके बीच में सो रहा है, तो वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर था टू मेक हिम स्लीप इन द अदर बेड। एंड या फिर मैंने देखा है कई घरों में क्या होता है कि मम्मी और जो बेबी है वो एक बेड पे सो रहे हैं, पापा या तो नीचे सोते हैं गद्दा लगा के या फिर नेक्स्ट रूम या कोई और रूम में सोते हैं, विच इज़ वेरी बैड फॉर देयर यू नो फैमिली, सॉरी विच इज़ वेरी बैड फॉर देयर पर्सनल रिलेशनशिप, आई फील दैट। तो वो भी एक रीज़न था कि मैंने इवान को अपने ही बेड पे शुरू से सुलाया। मैंने इसीलिए अपने बेबी के लिए क्रिप स्लीपिंग या कॉट स्लीपिंग चुना इंस्टेड ऑफ को स्लीपिंग, और काफ़ी जो लोग हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो भी मुझसे ये क्वेश्चन करते रहते कि कैसे हमारा बेबी तो सोता ही नहीं है और आप कैसे सुलाया आपने, तो ये मैं आपको अपनी एक और वीडियो है उसमें बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने बेबी को ट्रेन किया कॉट या क्रिब में सोने के लिए। बट ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने दिमाग में रखते हुए अपने बेबी को कॉट में सोने की आदत डाली है, और अभी हम काफ़ी हैप्पी हैं, वो ही स्टिल स्लीप्स इन हिज कॉट, अभी तक वो अपने कॉट में ही सोता है और कभी भी जिद नहीं करता है कि मैं बेड पे सोऊंगा या फिर ही इज़ वेरी हैप्पी स्लीपिंग यू नो इन हिज ओन स्पेस एंड वी आर हैप्पी इन आर ओन बेड। तो या सो जो बेबी अपने आप जिनको सो
होने की आदत होती है अपनी स्पेस में, उनको देखा गया है कि वो आगे चल के इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट होने की आदत भी होती है, दे फील इंडिपेंडेंट, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि आप कोस्लीप करेंगे या क्रिब में उसको सुलाना चाहेंगे अपने बच्चे को. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के साथ ये चीज़ चलेगी या हर किसी के साथ ये ऐसा ही होना चाहिए. इट्स जस्ट हाउ दैट वर्क्स फॉर मी. मेरे लिए मैंने क्या डिसीजन लिया था मैं बस वही आपको शेयर कर रही हूँ, और क्यों वो डिसीजन लिया था वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं. जिन बच्चों को खुद सोने की आदत होती है वो क्लिंगी भी कम होते हैं, कि मम्मा चाहिए सोने के लिए या फिर पापा चाहिए सोने के लिए. उनको मालूम है कि ये मेरा बेड टाइम है और मुझे अभी सोना है अपने बेड में. तो वो चीज़ जो है आपके लिए भी बहुत ही अच्छी होगी और आपके बेबी के लिए भी, अगर आप उसको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस देंगे तो. ऑल्सो दिस में साउंड अ लिटिल सेल्फिश, लेकिन अगर आपका बेबी अपनी स्पेस में अपने कॉट क्रिब में सो रहा है तो हस्बैंड वाइफ को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाता है बेबी से अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. और जो आई थिंक इंडिया में इतना इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते नहीं है, बट या एंड ऐसा नहीं है कि कॉट में सुलाने के कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है. नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा शुरू में, आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा. इफ द बेबी इज क्राइंग तो आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा. आप उसके रोने से एकदम छोड़ मत दीजिए और उसको जाके उठा मत लीजिए. ये सारा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे जो है अपने बेबी को स्लीप ट्रेन किया था. तो बस यही था आज के वीडियो में. और आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और थम्स अप का बटन दबा दीजिए. और हाँ, वो जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे. और कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय.